काली जादू करने वाला क्या बोलते हैं टैरो कार्ड रीडर हुआ उस दिन के लास्ट में फिर निशा भागती वो है ना ऐसे कि जा रही है बात ना खुली यंत्र क्या बोलते हैं चलो एक बार रेडी टेक एक रिहर्सल टॉप से हाँ आपको आने के लिए बोलेंगे आइए वाली जी बस रे, ट्रेन नहीं है। Yeah, I know it. Action! Yeah, sorry, hello. Hi, Nisha. Nisha, कैसी हो तू? पीयूष तू उधर ज़्यादा लेके लक्ष्मी में लेके रोल साइलेंस साइलेंस कैप्टन माउचो साइलेंस साइलेंस रोल साइलेंस एक्शन Okay, relax. बोल निशान बोल ये रखिए ये ना टी-शर्ट कैमरा ले लो ठीक है नो प्रॉब्लम ऐसा आज तेरे वैसे ये कैमरा ले हां नंबर भी दे दो कोई हाल जगह दिखा सारा फ्रेम दे देगा ना जगह दे दिया मैंने बड़ा चलो मेरी चाय कौन लेके आ रहा है यहाँ से उसने बोला यहाँ से तो यहाँ है कितने बोला लेके साथ में नाम जाएगा Take. Roll. Balance. Roll, please. Rolling. Rolling and action. Ah, one more. And action. लॉक प्रॉपर्टी सर थोड़ा सा लेना मैं अभी मगे आप ओके हां बैठो या रोलिंग एंड नीचे भी बैठा देखो या कोई चलेगा नहीं प्लीज रोलिंग एंड एक्शन। ये मां को देखना जाके जरूरत ना चलेगा नहीं रेडी और एक्शन। धक्का दिया था ना आपको? नहीं। बिल्कुल लेंगे। रोलिंग एंड एक्शन। कोई चलेगा नहीं। निशा पे रखना जो कैमरे वाला। हाँ शिफ्ट करना। रोलिंग एंड साफ नहीं है जा भी साफ कर क्या। रोलिंग एंड एक्शन। शिफ्ट ओके लगाओ यहाँ पे और देख अब और दीजिए ना इसी आप में इसी आप करो कुछ सुना नहीं जल्दी से डायरेक्टली यहाँ पे आने से ना रोल प्लीज रोलिंग रोलिंग एक्शन। हटना तू बहुत दूर मत जा भाई तू अंदर आएगा ना। सुन एक बार ट्रॉली पकड़। रोलिंग एक्शन। स्टेडी एक्शन। हटना है सर रोलिंग एक्शन। हटना है सर तेरी प्रॉब्लम क्या है। हाँ सर, मेरा नहीं ना तुम नहीं समझेगा तो चुप रह। जो वर्बली जा रहा है ना बॉडी लैंग्वेज एक्शन ये समझना आसान नहीं है सर। तुम नहीं समझेगा तो चुप रह। एक्शन ये समझना आसान नहीं है सर। तू नहीं समझेगा तो चुप रह। ये समझना आसान नहीं है सर। तू नहीं समझेगा तो चुप रह। मेरी आंखों में अच्छा बता मुझे ये सच कि तुझे तभी से प्यार होने लगा। ये सच जिसको जाते हुए नहीं देख सकते। सॉरी सर तुम और डकिया है तुम हां मुझे तो और थोड़ा टाइट करो उसके कारण। हां सर रोल बोलो एक्शन। सच क्या सच है बताओ मुझे। ये सच कि तुझे कबीर से प्यार होने लगा। ये सच कि तू उसको जाते हुए नहीं देख सकती। और ये सच कि उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि तू चाहती। तू क्या बकवास कर रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एवरी मैच वन लोग ये आंसू नहीं है कि ज्यादा बेटर है। क्या सच बताओ मुझे। ये सच कि तुझे कबीर से प्यार होने लगा। मेरे को साइलेंस ब्रेक एक्शन। सच क्या सच बताओ मुझे। ये सच कि तुझे कबीर से प्यार होने लगा। ये सच कि तू उसको जाते हुए नहीं देख सकती। और ये सच कि उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तू चाहती नहीं कि ये 3 महीने खत्म हो। क्या बकवास कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी मुंह खुलता है तो बकवास कर रहा है। ये सब गलत हो गया। तू चुप रह। देख निशु तू ना बाकी सब कुछ छुपा सकती है लेकिन भी आगे ना जरूर वेल आज का सीक्वेंस बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं निशा को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ ये कन्विंस करने के लिए कि उसको कबीर से प्यार होने लगा है। सो दैट्स व्हाट द सीक्वेंस इज़ अबाउट एंड ऑफ कोर्स निशा बीइंग निशा शी इज़ नॉट गोना अग्री टू इट ईजिली। सो वो जो ब्रेक करने का काम है वो मेरा है। सो बिकॉज वो मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। सो मैं उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लेता हूँ। आपको मालूम है कि 3 महीने के एग्रीमेंट होकर शादी हुई है। क्या मतलब आप निशा से क्या मतलब पूछना चाह रहे हो? निशा आपसे बड़ा है। मैं बेसिकली उससे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसको सच में कबीर से प्यार होने लगा है या नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और अगर ऐसा है तो कुछ तो करना पड़ेगा सिचुएशन को संभालने के लिए बिकॉज 3 महीने बाद अगर वो चला जाएगा और इसको प्यार हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। So it's all the beginning of a big thing here. आप कितना सपोर्ट करेंगे निशा को? Always सही हो या गलत हो। अगर वो गलत भी करती है ना तो मैं उसे बोलता हूँ गलत है लेकिन सपोर्ट मैं करूँगा। That's why हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है। ऐसा क्यों मतलब कि निशा ने मतलब 3 महीने के एग्रीमेंट करके शादी किया और कबीर ने भी और घर वालों को मालूम भी नहीं है इसका मतलब क्या रीजन क्या है? अब वो जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी आपको सब समझ में आएगा कैसे कैसे क्यों क्यों है बिकॉज सब चीज़ें तो मैं अभी नहीं बता सकता। और जहाँ तक उसके प्यार की बात है वेल प्यार का सीज़न चल रहा है दिख रहा है हर जगह प्यार उमड़ता आ रहा है आँखों में और मैंने पढ़ लिया है वो उसकी आँखों में। तो बस मैं उसे एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ कि हाँ कुछ ऐसा है। दैट्स ऑल। देखिए, प्यार के मामले में कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है. ऑल वी कैन होप फॉर इज दैट एवरी लव स्टोरी हैज़ अ हैप्पी एंडिंग. So let's see how many love stories happen here and how many of those love stories have happy endings. So quite excited about it. That's it. Well, Saurav, of course, Saurav ki girlfriends rahi hain, short term, long term, and everything, but nothing too serious. Like अभी तक Saurav को वो सात समुंदर पार तैर के जाने वाला प्यार नहीं हुआ है. बट देखिए, प्यार का सीज़न चल रहा है तो होपफुली सौरभ की लाइफ में भी कुछ होगा बहुत जल्दी. सो वो आप देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा. सौरभ एक क्या बोलते हैं, सौरभ निशा के बहुत अच्छे मतलब ये दोस्त हैं. तो सौरभ को क्या लगता है कि मतलब निशा कभी भी हो पाएगी? देखिए, सौरभ इतना अच्छा दोस्त है निशा का कि सौरभ को इससे मतलब नहीं होगा कभी कि लड़का कौन है. अगर निशा उस लड़के को चाहती है तो वो एक साथ होंगे. सौरभ बस यही चाहता है. निशा को और कबीर को और सौरभ को सिर्फ ये बात मालूम है कि 3 महीने का ईवन में शादी का. तो क्या मतलब ये आप मेन यहाँ पे हैं तो आप क्या मतलब ये लोग को मतलब ना जानकर भी ये क्या बोलते हैं आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये दोनों को एक साथ? देखिए, अब सच्ची दोस्ती क्या होती है, अगर दोस्त से गलती हो भी जाए, आप एक थप्पड़ लगाओगे कि गलती करी है लेकिन फिर भी साथ दोगे ना, तो साथ तो देना पड़ेगा सौरभ को, और वो अच्छे अच्छे से कर रहा है. क्या मतलब ये निशा की गलती हो या कबीर की गलती हो, लपड़ की बात की कहीं निशा की गलती हो तो निशा को क्या लपड़ मारेंगे? अब देखिए, लड़की पे तो सौरभ हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन हाँ, वो निशा है, वो तो टॉम्बॉय है, तो मुँह पे तो साफ साफ बोल ही देगा कि भाई तूने गलती करी है, लेकिन तू कितनी भी गलती कर, हमेशा तेरे साथ रहूँगा. बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं. जैसे मैंने कहा कि निशा की स्टोरी में बहुत कुछ होने वाला है, और प्यार का सीज़न चल रहा है तो ऑफ कोर्स कहीं एक प्यार का क्या बोलते हैं सीड सौरभ की लाइफ में भी जल्दी होने वाला है. सो यू हैव टू वॉच इट, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. आप जो देख रहे हैं चैनल के थ्रू, मतलब आप उनके दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? वेल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, एंड इट्स गोना गेट रियली रियली इंटरेस्टिंग. And just stick to it. Trust me. There are a lot of new things happening in the show.